सहारनपुर के व्यापारी रायवाला मंगल बाजार लगाने के संबंध में पहुंचे नगर निगम। सहारनपुर मोमिन अंसार पार्टी के सादाब अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम रायवाला मंगल बाजार के व्यापारी हैं। पिछले 30 से 35 वर्षों से लगातार रायवाला में मंगल बाजार के दिन साप्ताहिक बाजार लगता चला आ रहा है, इसमें नगर निगम द्वारा सबके रजिस्ट्रेशन भी किए हुए हैं और 200 रुपये हफ्ते की रसीद भी फड़ लगाने की काटी जाती है। लेकिन पिछले 2 माह से वहां पर निगम द्वारा साप्ताहिक बाजार नहीं लगने दिया जा रहा है, जिससे हजारों परिवारों के आगे जीवन यापन करना मुश्किल हो गया और कितने ही हज़ार परिवार जो बड़े शोरूम और बड़े दुकानों से सामान नहीं खरीद सकते, वो अपनी ज़रूरत का सामान साप्ताहिक बाजार से खरीद कर जीवन यापन करने के लिए अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे कितने ही परिवार पर जो आर्थिक संकट आ गया वह दूर हो सके। सर्दी के मौसम में गरीब व्यक्ति इस साप्ताहिक बाजारों में सस्ती दरों में गर्म कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए लेता है, इसका लगाना अत्यधिक आवश्यक है। मंगल बाजार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दें। इस दौरान सादाब अंसारी, शुभम गर्ग, सचिन गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। नाम सादाब अंसारी, राष्ट्र मोमिन अंसार सभा का युवा महानगर अध्यक्ष हूँ। कल हमने जो है माननीय हमारे बड़े भाई पार्षद टिंको अरोड़ा जी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग रखी कि जो हम काफ़ी पुराने जो रोजगार फड़ी लगा के रहे वाले में करते आ रहे थे, 4 माह से बिल्कुल बंद कर दिया गया और हमारे लिए आर्थिक मंदी सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और हम कई बार नगर निगम भी आए और कई अधिकारियों के यहाँ भी हम जाने का काम किया, लेकिन हमें बिल्कुल भी असल मिली है और हमें कामयाबी नहीं मिली, जिससे हमारे लिए रोज़गार सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि रहे वाले पे फिर से मंगल बाजार लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम करें। फिलहाल जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बच्चों के लिए शिक्षा की आ गई है, हमारे बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं, हम उनकी वक्त पे फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा अब सर्दी का सीजन था, पड़ा पड़ा माल ख़राब हो रहा है। हम चाहते हैं फिर से हमें अनुमति मिलने का काम हो, और अगर जो अनुमति हमें नहीं मिलेगी, हम अपने बच्चों सहित यहाँ नगर निगम आगे दरी पे बैठकर अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेगा, या तो हमारी तरफ अधिकारी ज़्यादा ध्यान देके फिर से हमें रोज़गार करने की राय वाले पे अनुमति प्रदान की जाए। देखिए, हम कल रायवाला में जो मंगल बाजार लगता आ रहा था पिछले कई वर्षों से, उसके लिए कल कमिश्नर महोदय से मिले थे। कमिश्नर महोदय ने को हमने एक पत्र दिया था और उन्होंने हमें कहा था कि आप जाकर नगर आयुक्त महोदय से मिलो। आज हम नगर आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन नगर आयुक्त महोदय कोई स्वास्थ्य उनका ख़राब है, इस वजह से वो आज बैठे नहीं। अपर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, अपर साहब ने कहा कि आप कल नगर आयुक्त साहब से मिलिए, फिर इस पर कोई निर्णय जल्दी लिया जाएगा। मेरा छोटी सी बात कहना है, जब हम किसी को रोज़गार दे नहीं सकते तो हम किसी का रोज़गार छीन कैसे सकते हैं? इन बेचारों की क्या गलती है, ये पिछले कई वर्षों से निगम शुल्क देते हुए वहाँ पर रायवाला में छोटा सा अपना ठिया लगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं और उस ठिए पे जो सामान बिकता है उससे पता नहीं कितने परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ से सामान खरीदते हैं। ये अगर इस तरीके की गलत सोच हमारे मन में बन गई तो गरीब आदमी अपना जीविका कैसे चला पाएगा, व्यापार कैसे कर पाएगा? मेरी यही नगर निगम के अधिकारियों से दरख्वास्त है, कल हमने कमिश्नर साहब से भी यही दरख्वास्त करी कि रायवाला मंगल बाजार लगवाया जाए, उसे व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम पूर्ण रूप से प्रयास करे, कोई वहाँ पर गलत तरीके से ठिया ना लगाया जाए जिससे कि कोई मार्ग अवरोध हो। और हम इसीलिए कल अब नगर आयुक्त साहब जब आ जाएंगे, कल या परसों में जैसे ही वो आते हैं, उनसे मिलकर यही मांग रखेंगे। हमारी यह है कि रायवाला में जहाँ बाजार लगता आ रहा था उस बाजार को लगने दिया जाए, लोगों के रोजगार को ना छीना जाए। लगभग कितने 35 वर्षों से लगा आ रहा है, पहले तय बाजारी की रसीद कटती थी, अब टेंडर हो गया है तो वो ठेकेदार रसीद काटता है। ये कोई वैसे ही बैठते थोड़ी ना, शुल्क देकर बैठते हैं और मंगलवार को सारी मार्केट बंद होती है। अभी हम आपकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे, आप वैकल्पिक व्यवस्था इतनी दूर मेला गुगाल में बनाने जा रहे हो, क्या वहाँ ये लोग अपने ठिए लगाएंगे? वहाँ गाहक का पैर एकदम पड़ जाएगा, इन लोगों का रोजगार चल जाएगा? इस बात को कोई नहीं सोच रहा। लोगों के आगे आर्थिक संकट आ गया, एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या बिल्कुल ही हमारे अंदर कोई मानवता रही नहीं? 100 लोगों के ठिए बंद हैं पिछले 4 माह से।